नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। एनपीएल क्रिकेट क्लब निजामपुर द्वारा रविवार को एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन निजामपुर के ऐतिहासिक मैदान में किया गया। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी हाजी आफ्ताब आलम अंसारी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मैच साजिद 11 व मोनिस 11 के बीच किया गया। साजिद 11 के खिलाड़ियों ने 49 रन बनाए थे, जबकि मोनिस 11 के खिलाड़ी सिर्फ 29 रन ही बना सके। ऐसे में 20 रनों से साजिद 11 की टीम ने मैच जीत लिया। सबसे अधिक रन साजिद 11 के खिलाड़ी सैराज अहमद ने बनाए। उन्होंने अकेले टीम के लिए 20 रन की भागीदारी की। उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही विजेता और उपविजेता टीम के कप्तान को ट्रॉफी दिया गया। मुख्य अतिथि हाजी आफ्ताब आलम अंसारी ने वहां पर मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता के जरिए आपसी भाईचारा मजबूत होता है और एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता है। उनको आगे ले जाने के लिए यह सबसे बड़ा माध्यम है। प्रतियोगिता की कमेंट्री शहजाद अंसारी व अशरफ अंसारी द्वारा की गई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अबिदुल्लाह असरी की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना है। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।